Hi, good evening everybody. This is Bishwajit Datta, Director, Success and Education Services, Bhopal, Madhya Pradesh. CLAT 2024 और 25 की तैयारी चालू हो रही है, चालू हो चुकी है. All those people who are contemplating, please जल्दी जल्दी करो, decide करो. और यदि आपको लगता है कि CLAT 2024 और 25 में हमको देना है, तो जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांधो और दौड़ लगाना शुरू कर दो, क्योंकि 2024 के लिए 8 महीने और 2025 के लिए 16 महीने पकड़ लो, क्योंकि इससे ज़्यादा तो पढ़ाई आप करोगे नहीं. सो लेट अस स्टार्ट वर्किंग फॉर क्लैट 2024 एंड 25. आज का हमारा टॉपिक, क्या आपको पता है दैट 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बर्खास्त कर दिया था, दैट मीन शी वॉज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द पार्लियामेंट. तो ये मांजरा क्या है, इशू क्या है, उसको आज हम समझते हैं. 1971 के जब लोकसभा इलेक्शंस हुए थे ना, तो रे बरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी ने इलेक्शन को कॉन्टेस्ट किया था. उनके जो अपोनेंट थे वो भी बड़े स्ट्रांग थे, उनका नाम था राजनारायण. राजनारायण एक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को बिलोंग करते थे और उस समय उत्तर प्रदेश में वो पार्टी का बड़ा दबदबा था. तो लगभग ये माना जा रहा था कि मिस्टर राजनारायण जीत जाएंगे. तो थोड़ा सा श्रीमती इंदिरा गांधी को भी लग रहा था कि वहां से कॉन्टेस्ट करे कि नहीं करे. बाद में कुछ सिचुएशन ऐसी बनी, कुछ लोगों का साथ ऐसा मिला कि उन्होंने अल्टीमेटली वहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और वो जीत भी गई. आपको पता है 1 लाख से ज़्यादा वोटों से वो जीती थी. और ये बात राजनारायण को सहन नहीं हुई, उनको लगा कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, आई वॉज दी मेन कॉन्टेंडर, मेरे को जीतना था, द पीपल वेयर लाइकिंग मी, आई वॉज द ओनली चॉइस फॉर द पीपल, हाउ कुड दिस हैपन. तो उस समय उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर कोर्ट में केस फाइल किया कि इन्होंने करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस करके वोट को अपने फेवर में लिया और वो जीत गई. मैटर कोर्ट में पहुंचा, अलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उसको इन्वेस्टिगेट किया, उसको फाइनली एडजुडिकेट किया और उस एडजुडिकेशन में श्रीमती इंदिरा गांधी को गिल्टी पाया गया. और कोर्ट ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी हैज वायलेटेड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951, उसके कुछ लॉज है, कुछ कानून है जो उन्होंने वायलेट किए हैं, जिसके अगेंस्ट में इनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है. शी हैज फाइनली फाउंड गिल्टी और उनको पार्लियामेंट से बर्खास्त कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया. अब उनके ऊपर केस क्या क्या लगा, इसको एक एक करके आप देखिए. राजनारायण ने चैलेंज किया इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इन 4 ग्राउंड्स पर. दीज आर द रूल्स दैट आर डिफाइंड अंडर द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951. वो जो सेक्शन था वो है 123 के अंदर 5, 6, 3 और 7, ये 4 सबसेक्शन है. ये 4 सबसेक्शन कुछ बातें बताते हैं. पहला सबसेक्शन है 123(5), वो ये कहता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने बहुत सारे ऐसे गाड़ी वालों को हायर किया था, उनको पैसे दिए थे और इतने सारे गाड़ी वाले थे, उनका सिर्फ काम ये था कि पोलिंग बूथ पर लोगों को लेकर आना ताकि वो वोट दे सके श्रीमती इंदिरा गांधी को. दैट मीन्स इट वॉज ए कंप्लीटली फिक्स, और उन्होंने फिक्स करके इलेक्शन प्रोसेस को वायलेट किया और अपने फेवर में जीत दर्ज करी. साथ में ये भी कंप्लेन थी सेक्शन 123 सबसेक्शन 6 इज ऑल्सो वायलेटेड. उन दिनों ना इलेक्शन को लड़ने के लिए किसी भी पार्टी को 35,000 रुपये से ऊपर खर्चा नहीं करना होता था. दैट वॉज द लिमिट, इस लिमिट को आप एक्सीड नहीं कर सकते हो. तो उनके ऊपर ये भी लगाया गया, चार्जेस लगाए गए कि उन्होंने एक्सीड किया, जो इलेक्शन कैंपेनिंग की जो एक्सपेंडिचर की जो लिमिट थी उसको भी उन्होंने एक्सीड किया, और दैट वॉज अगेन ए वायोलेशन ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951. साथ में सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 के तहत ये भी चार्जेस लगाए गए कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोगों को रिलीजन के नाम पे वोट मांगे, लोगों को रिलीजन के नाम पर उकसाते हुए, समझाते हुए, इंड्यूस करते हुए, इन्फ्लुएंस करते हुए वोट मांगे, जो कि वायोलेशन ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951 था. और साथ में ये भी बोला कि श्रीमती इंदिरा गांधी इज ऑल्सो वायलेटेड द एक्ट अंडर सेक्शन 123 सबसेक्शन 7 के तहत. ये क्या कहता है, ये कहता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी, बिकॉज शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, बड़ी पावरफुल थी, तो उन्होंने सारे गवर्नमेंट मशीनरी को यूज करते हुए, गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसी से उनको यूज करते हुए अपनी सारी ताकत रेबरेली में लगाई और इस इलेक्शन प्रोसेस को अपने फेवर में किया, और इतने सारे करप्ट प्रोसेस करने के बाद वो जीत गई. तो उनकी वो जो जीत है, दिस इज नॉट ए डेमोक्रेटिक विन, ये
गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है कोर्ट में मिस्टर राज नारायण ने प्रेजेंट करी, और उस समय कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो मिस्टर राज नारायण के फेवर में जजमेंट दिया। और कोर्ट ने कहा कि इन चारों के तहत जब इन्वेस्टिगेट हुआ तो सबसेक्शन 123, 5, 6 और 3 के तहत तो शी वॉज नॉट फाउंड गिल्टी, बट ये पाया गया दैट श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज फाउंड गिल्टी अंडर सेक्शन 123 सबसेक्शन 7 ऑफ डी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1971। क्या हुआ था उस टाइम पर, दैट मीन्स इन 1971 जो दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर्स सेक्रेटरीट ऑफिस था ना, उसमें एक उनका बहुत ही करीबी था, उनका नाम था यशपाल कपूर, एंड ही वॉज एन IAS, तो डेफिनेटली वो सेक्रेटरीट लेवल में थे। तो उनकी उस इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू मतलब सभी लोगों से बात होती थी, तो वो सबको चाहते तो इन्फ्लुएंस कर सकते थे। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको बोला कि आप रिज़ाइन कर दीजिए और रिज़ाइन करके आप हमारे पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। उनको उन्होंने ये प्रलोभन दिया था कि भाई हम आपको पार्टी में किसी स्टेट से हम आपको सीट दे देंगे और यू विल बी एबल टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस। तो उनके बात अच्छी लगी, उनको लगा कि मेरे लिए एक पार्टी में चला जाऊंगा मैं। तो अल्टीमेटली उन्होंने वो पोस्ट रिज़ाइन कर दी थी, वो सेक्रेटरी पोस्ट से थोड़ी नीचे की पोस्ट थी, बट सिंस वो एक IAS ऑफिसर थे तो ग्राउंड लेवल में सारे गवर्नमेंट मशीनरीज के साथ कॉन्टैक्ट में थे, सबको जानते थे किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करना है वो उनको पता था। तो यशपाल कपूर को अल्टीमेटली रिज़ाइन देकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने इलेक्शन एजेंट बनाया, और उनका काम था नीचे ग्राउंड लेवल में रेबरेली में जाकर के सारे ग्राउंड वर्क को कंप्लीट करना, वो सारे ग्राउंड वर्क को फैसिलिटेट करते थे। तो अल्टीमेटली बाद में कोर्ट ने ये पाया, उस समय कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे हाईकोर्ट के मिस्टर जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने ये जजमेंट दिया कि ये जो मिस्टर यशपाल कपूर है इन्होंने गवर्नमेंट मशीनरीज को यूज़ करके श्रीमती इंदिरा गांधी को फेवर किया। उस समय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जजेस, पुलिस, आर्मी, इन सबको यूज़ करके श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए बड़े बड़े पंडाल बनाए गए, उन्होंने स्पीचेस वगैरह दी और ऐसे करके इलेक्शन को एक तरफ करने की कोशिश की, इनफैक्ट किया भी। तो अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर सेक्शन के तहत श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज फाउंड गिल्टी और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया फ्रॉम द पार्लियामेंट। अल्टीमेटली इस जजमेंट के बाद बड़ा बवाल हुआ। बवाल ऐसा हुआ कि मिस्टर जगमोहन, आई मीन द जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, जिन्होंने इस पर्टिकुलर सबसेक्शन 123 सबसेक्शन 7 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 के तहत ये बात पता करी, मालूम किया, और उसके बाद उनको कॉन्विक्ट कर दिया कि भाई 6 साल तक आप किसी भी इलेक्टोरल पोस्ट में, गवर्नमेंट पोस्ट में आप नहीं आ सकते। और श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज फाउंड गिल्टी फॉर ऑल दी करप्शन चार्जेस और अल्टीमेटली उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसके बाद अपने इस डिस्क्वालिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के अपील की। उस समय गर्मी का टाइम था, जून का टाइम था, और जून के टाइम में मतलब उस समय कोर्ट वगैरह जो है ना बंद रहता था अल्टीमेटली। तो कोर्ट बंद होने के कारण 1975 में ये मामला खींचता हुआ चला गया और एक सिंगल जज बेंच की बैठक हुई। उसके जो जस्टिस थे, हिज नेम वाज मिस्टर VR कृष्णन अय्यर, उन्होंने भी हाई कोर्ट के जजमेंट को काफ़ी हद तक पार्शियली सही ठहराया और श्रीमती इंदिरा गांधी को बोला कि नहीं ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर तो रह सकती है बट आप किसी भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में वोट नहीं कर सकती। तो ये भी गलत बात लगी, ऐसा लगा कि भाई ये तो मेरा काफ़ी सारे पावर का हनन हो रहा था। ठीक उसके बाद जस्ट आफ्टर वन डे, एक दिन के बाद, अगले दिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 ऑन 25th ऑफ जून उन्होंने एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी यूजिंग द आर्टिकल नंबर 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेइंग दैट देयर इज लॉट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द कंट्री एंड बिकॉज ऑफ दैट हम एमरजेंसी लागू करते हैं। एमरजेंसी लागू होने के दौरान, ड्यूरिंग दैट पीरियड, श्रीमती इंदिरा गांधी एक अमेंडमेंट लेकर आए, दैट वॉज 39th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसिंग आर्टिकल 329A। उसमें उन्होंने कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन प्रोसेस को और स्पीकर के इलेक्शन प्रोसेस को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और अल्टीमेटली ये मामला चल ही रहा था, फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और नवंबर का टाइम आया, तब 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंच बनी। उस समय जो चीफ जस्टिस थे मिस्टर A.N. Ray, उनके चेयरमैनशिप में ये जजमेंट आया और पूरे 5 जजेस ने यूनानिमसली श्रीमती इंदिरा गांधी के 1971 का जो इलेक्शन प्रैक्टिस है उसको सही ठहराते हुए कहा कि भाई जो जो हाईकोर्ट के बेंच ने जजमेंट दिया था या जो
वैकेशन बेंच ने जजमेंट दिया था वो गलत है, अल्टीमेटली श्रीमती इंदिरा गांधी को यहाँ पर जीत हासिल हुई। सो दिस वॉज ऑल दैट हैपन ड्यूरिंग दैट पीरियड। बट वो जो आर्टिकल जो 329A इंट्रोड्यूस हुआ था 1975 में, जो ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ द लोकसभा के इलेक्शन प्रोसेस को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता कोर्ट में, अल्टीमेटली उसको बाद में फिर से अंडर 44th अमेंडमेंट ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1978 जब जनता पार्टी गवर्नमेंट में आई तब उसको ओमिट कर दिया और इस प्रकार से वो प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चला गया। सो दिस वॉज ऑल दैट हैपन ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड दिस पीरियड इनफैक्ट दैट पीरियड वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डार्केस्ट पीरियड ऑफ द कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशनली एवरीथिंग वॉज मतलब आप समझ सकते हो तितर बितर हो गया होगा जब इमरजेंसी लागू हुई। सो दिस वॉज ऑल दैट हैपन ड्यूरिंग दैट पीरियड। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।